अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली आप सब कैसे हैं उम्मीद है सब ठीक होंगे जी ये बड़ी प्यारी परिंदों की आवाज़ें बहुत ही खूबसूरत आज मौसम था और हरा भरा ग्रीन लॉन बहुत अच्छा लग रहा था तबीयत आज कुछ उदास उदास थी कुछ बोझल सी थी कुछ ज़िंदगी में वाक़ ऐसे हो जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं और जिनके लिए आप तैयार नहीं होते तो तबीयत पर उनका काफ़ी बोझ पड़ता है बहुत सारे प्यारे लोग जो पहले आपके साथ होते हैं और किसी आगहानी की वजह से उनसे बिछड़ना पड़ता है तो बहुत तकलीफ़ होती है तो बहर अल्लाह ताला का निज़ाम है ये अल्लाह ताला ने दुनिया को ये बनाया ही ऐसे है जो आया है उसने जाना है तो जी ये मैं आई थी वॉक करने जब मैं थोड़ा डिप्रेस होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर से निकलूँ वॉक करूँ ओपननेस आपके दिमाग को खोल देती है आपका दिल बोझल हो तो वो हल्का हो जाता है तो यहाँ पर मैं वॉक करने के लिए आई हूँ और जब मैंने वॉक की तो काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई मौसम बहुत अच्छा था और ये चलते चलते बच्चे खेल रहे थे आगे जाके ना मैं आपको बड़े मज़े की एक चीज़ सिखाती हूँ कि दरख्तों का भी एक अपना हुसन है ना एक अपना चाम है तो जब आप इनके करीब जाते हैं नेचर इज़ ए हीलिंग पावर तो वर्डवर्थ एक बहुत ही नेचर का मशहूर पोइट था लिटरेचर में मैंने उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा तो बकोल उसके के नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने मरहम रखा हुआ है हील कर दिया आपको तो वाकई ऐसा है जब आप नेचर में निकलें तो आपकी तबीयत को बड़ा सुकून मिलता है रोज़ा था तो मैंने कहा थोड़ी सी वॉक करते हैं साथ में अब आपको मैं दिखाने जा रही हूँ एक बड़े मज़े का दरख्त और उसका बड़ा ही ख़ूबसूरत फल आ जाए मेरे साथ करीब जा रहे हैं हम उस दरख्त के तो अभी हम पहुंच जाएंगे जी हाँ अब ये मैं करीब आ गई हूँ तो आप पहचानें ज़रा कमेंट्स में बताएं कि ये किस चीज़ का फल है क्या आप लोग भी अपने बचपन में इसको देखते थे और इसकी काफ़ी किस्म की फॉर्म्स होती हैं हाँ जी कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा कि ये क्या है जी हाँ ये है शतूत ठीक है ये शतूत का फल है और बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा यही पक चुका है और जो पहले आपको दिखाया था वो अभी ज़रा लाल था तो खूबसूरत कितना अल्लाह के नज़ारे हैं अल्लाह ताला ने इंसान के वो कहते हैं ना उसकी तबीयत के मुताबिक चीज़ें और फल पैदा किए हैं इंसान को बहलाने के लिए मज़े मज़े की चीज़ें अच्छा जी हमारे फ्रूट्स ख़त्म थे ये रास्ते से हमने कुछ फल लिए आज रफ्तारी में कुछ ज़्यादा बनाने को दिल नहीं चाह रहा था तो इतना कुछ नहीं किया पुलाओ बनाया जो अभी तक पड़ा हुआ है किसी ने नहीं खाया बच्चे जब ये समोसे पकौड़े या रोल्स वगैरह खा लेते हैं तो फिर वो खाना नहीं खाते तो यहाँ पर हम लोग आलू के चिप्स यानी के आलू बेसन वाले फ्राई करने लगे थे आलू काट के रखे हुए हैं और यहाँ पर ये बेसन घोला जा रहा है बेसन घोला और फिर इसके अंदर आलूओं को डिप किया और फिर उनको फ्राई किया ठीक है ये आलू पड़े हुए हैं और साथ में बेसन पड़ा हुआ आज माशाल्लाह दसवां रोज़ा हो गया है एक जो रमज़ान का अशरा था वो ख़त्म हो गया और अब अल्लाह ताला दूसरे अशरे की तरफ़ हमें लेके जा रहा है जान सलामती के साथ अल्लाह पाक आगे भी हमें सेहत सलामती के साथ रमज़ान दिखाए और हमें तोफीक दे के जो दिन है हम उसकी रज़ा के मुताबिक गुजार सकें तो यहाँ पर जी अब बनने लग गए हैं आलू के पकोड़े तले हुए आलू भी इसको कहते हैं बेसन वाले आलू भी कहते हैं तो बड़े मज़े के ये बने यहाँ पर बन रहा है पुलाव अच्छा जी अब आपको टेबल का मंजर दिखाते हैं ये जो मैं चीज़ें लाई थी ये वो है इसमें योगट थी अच्छा ये वाली योगट डाले ना दही फुल्कियों में तो बड़े मज़े की लगती है अच्छा एग्स थे और फ्रूट था फ्रूट बास्केट पास पड़ी हुई है उसमें हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर मैं दम लगाने लगी थी चावलों को और यहाँ पर बन रहे हैं आलू अच्छा इधर लग गया है टेबल अभी टेबल लगाना स्टार्ट किया है बर्तन वर्तन रखे हैं चटनियाँ रखी हैं और साथ में फिर अब टैंक रखा है ये मैंगो टैंक बना हुआ है और लींबू पानी सबको सादा नींबू पानी पीते हैं और साथ में है लेमन टैंक मैंगो टैंक अब रफ्तारी हमने लगा दी आलमोस्ट सारा कुछ टेबल पर पड़ा हुआ है रोल्स भी पकौड़े भी और अभी बाकी चीज़ें जैसे कि दही फुल्कियाँ और फ्रूट चाट आ गई है ठीक है जी और अब आप लोग वीडियो को एंजॉय करें वीडियो को एंड तक देखा करें और आपकी पार्टिसिपेशन का कमेंट्स के ज़रिए पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कीप वाचिंग मोनास चैनल अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ सारा रमजान दिखाए और हमें भी सेहत तंदरुस्ती दे अल्लाह हाफिज़